में अप्रैल फूल के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हुए अप्रैल फूल मनाया जाता है। उलमाए किराम और काबरीन मिल्लत ने आमिर मुस्लिमीन को इस बिदत से दूर रहने की तलकीन की है। अप्रैल फूल कब और कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे कई कहानियां किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये बात मुसद्दका है कि इस्लामी शरीयत में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस सिलसिले में शेखुल जामे जामे निजामिया मुफ्ती खलील अहमद ने आमिर मुस्लिमीन को तलकीन की कि वो इस यौम को ऐसी गैर इस्लामी रस्म से परहेज करें। मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि शरीयत इस्लामी इंसानियत अखलाक और किरदार पर मौकूफ है। शरीयत रहमत और सहूलत पर मबनी है। शरीयत इस्लामी में धोखा मजाक झूठ या तकलीफ देने वाले अहमाल से रोका गया है। उन्होंने आमिर मुस्लिमीन पर जोर दिया कि वो इस बुराई से दूर रहें और अपने साथियों और रिश्तेदारों को भी तलकीन करें कि वो इससे दूर रहें, क्योंकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सिलसिले में मजहब इस्लाम और तकाबली मजाहब के रिसर्च स्कॉलर मीर निजाम अली खान ने कहा कि अप्रैल फूल एक गैर शरई हरकत है और उसके बचपर्दा महरिका जानने के बाद मुसलमान इससे जरूर इज्तनाब करेंगे। मीर निजाम अली खान ने आमिर मुस्लिमीन पर जोर दिया कि वो इस्लामी शरीयत पर अमल पैरा रहे ताकि खिलाफ शराब कोई काम न हो सके। हमारी शरीयत मुकम्मल शरीयत है और हमारी शरीयत इंसानियत अखलाक किरदार पर मौकूफ है और तमाम इसके अहकाम रहमत और सहूलत पर मबनी है। इसमें झूठ धोखा मजाक और इस किस्म के चीजें जिसमें किसी को तकलीफ होती हो और किसी को धोखा होता हो या किसी का नुकसान होता हो, इन सारी चीजों से रोका गया, मना किया गया। इसलिए ये एक अप्रैल की जो विदत है और इसके जो तमाशे हैं, इसका इस्लाम से और हमारी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। हर मुसलमान को चाहिए कि इससे अपने आप को बचाए। हमारे मुआशरे में अगर हम देखेंगे, कई सारे नौजवान, कई सारे बूढ़े बुजुर्ग एक दूसरे को बेवकूफ बना के लगे हुए हैं। अगर ये सब अप्रैल फूल की अगर हिस्ट्री जानेंगे तो सब काम करना छोड़ देंगे। अच्छा, अप्रैल फूल की क्योंकि ग्रेगोरियन 13 में एक कैलेंडर की एजाद की नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक साल का जो पहला दिन है वो है 1 जनवरी। उससे पहले यूनियन कैलेंडर को वो मानते थे। यूनियन कैलेंडर में 1 अप्रैल साल का पहला दिन था। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानने वाले यूनियन कैलेंडर को मानने वालों को बेवकूफ कहते थे, क्योंकि वो कहते थे यूनियन कैलेंडर को मानने वाले लोग अभी तो कदीम ट्रेडिशन को कदीम चीजों को मानने वाले हैं। इसी तरीके से अप्रैल की एजाद भी देखिए, अगर हम मुसलमान ये हिस्ट्री नहीं जानते और एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल गैर शरई हरकत है। इस्लाम ने हमें इतनी बेहतरीन तालीमात हमें दी है और इन्हें तालीमात हमें ना के अमल करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। बेवकूफाना हरकत ना हम करें ना किसी को बताए। सही दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो दूसरे मुसलमानों को और गैर मुसलमान को बताना हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम। एडिशनल डायरेक्टर महकमे हजरात ए राजिया 34 साल खिदमत अंजाम देने के बाद 31 मार्च को वजीफे खिदमत पर सुबह दोष